हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सासी सुहु। आज मैं आपके किचन में लेके आई हूँ एक इतनी इंटरेस्टिंग स्नैक रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे डबल डेकर मशरूम। प्लीज चेक इट आउट। आज हम बनाएंगे सुपर चीजी स्पाइसी एंड क्रंची डबल डेकर मशरूम। आइए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे कुछ बटन मशरूम्स और इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमें मशरूम्स को रनिंग वाटर में वॉश करना है, हमें इन्हें वाटर में सोक नहीं करना क्योंकि मशरूम्स में वाटर कंटेंट ऑलरेडी बहुत हाई होता है। हम मशरूम को लेंगे और इसकी स्टेम को उसकी कैप से अलग कर देंगे। अब जो इसकी कैप पे एक थिन लेयर होती है, मैं उसे पील ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत आसानी से मैं इसको नीचे से पुल करते हुए इसकी अपर लेयर को पील कर रही हूँ। मशरूम में ऑक्सीडेशन पार होती है, इसलिए वो थोड़ा स्टेनी हो जाता है। तो इसकी अपर लेयर को देखो, मैंने पील कर लिया, एकदम क्लीन हो गया। ये देखिए, सभी मशरूम्स की कैप को मैंने पील कर लिया है, एकदम क्लीन हो गई हैं। और इनकी स्टेम्स को मैंने अलग कर लिया है। स्टेम्स को हमें थ्रो नहीं करना, इन्हें हम यूज़ करेंगे। मशरूम की जो स्टेम्स थी उन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ये मेरी स्टफिंग में काम आएगी। अब चलते हैं पैन की तरफ। मशरूम्स की स्टफिंग बनाने के लिए एक सॉस पैन लेंगे और उसे थोड़ा हीट कर लेंगे। पैन जब हीट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 फुल क्लव ऑफ गार्लिक। गार्लिक को मैंने एकदम फाइनली चॉप किया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज। मैंने 2 चिलीज लिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वैरी कर सकते हैं। अब इसे सॉटे कर लेंगे। गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो गया है, इसमें से अरोमा आ रहा है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑफ फाइनली चॉप अनियंस। इसमें डाल देंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और बहुत ही थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैंने डाला है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया और ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें डाल देंगे जो स्टेम्स मैंने चॉप किए थे मशरूम के वो, और इसमें ऐड कर देंगे 1 क्यूब ऑफ प्रोसेस चीज़, और आप चाहें तो मोजरेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही चीज़ी स्पाइसी और डिलिशियस बनने वाले हैं हमारे मशरूम्स। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए चीज़ भी कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। हमारी स्टफिंग एकदम रेडी है, इसे थोड़ी देर कूल डाउन होने के लिए रख देंगे, स्टोव को ऑफ कर देंगे। स्टफिंग कूल डाउन हो गई है तो मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब बनाते हैं बैटर जिसमें हम मशरूम्स को डिप करेंगे। मैंने एक खाली बोल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसे वाटर डाल के डाइल्यूट कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, इसकी थोड़ी सी लिक्विडिफाइड कंसिस्टेंसी मैं क्रिएट कर रही हूँ। बैटर रेडी हो गया है, कुछ ऐसी सी इसकी कंसिस्टेंसी है। ध्यान दीजिएगा इसमें कोई लम्स ना रहे, अगर हैं तो उसे एक बार अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे स्टर करके। आइए स्टार्ट करते हैं मशरूम्स को स्टफ करना। ये थोड़ी सी स्टफिंग मैंने ली है और जो मशरूम्स के कैप की कैविटी है उसमें मैं अच्छे से इसे प्रेस करके फिल इन कर दे रही हूँ। सिमिलरली सारी कैप्स को मैं फिल कर लूँगी। ये देखिए, स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पोर्शन मैं पिक करके स्टफिंग का सारी कैप्स की कैविटीज को फिल कर ले रही हूँ। ये देखिए, सभी मशरूम्स की कैप्स की कैविटीज को मैंने बहुत अच्छे से स्टफिंग से फिल कर लिया है। अब हम 2 सिमिलर साइज के कैप्स लेंगे और उन्हें आपस में बंद कर देंगे, और अब इन्हें हम टूथपिक की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। एक टूथपिक को मैं लूंगी और ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके इसे थ्रू एंड थ्रू दोनों मशरूम्स के अंदर से पास कर लूंगी, और साइड में से जो एक्सेस स्टफिंग है ये मैं स्क्रैप कर ले रही हूँ थंब की हेल्प से। मशरूम्स बहुत ही अच्छे से पैक हो गए हैं और स्टफिंग इसमें सील हो गई है। सिमिलरली सारे मशरूम्स को रेडी कर लेंगे, उन्हें टूथपिक से सिक्योर करके जो एक्सेस स्टफिंग है उसे वाइप ऑफ कर देंगे।
मेरे पास शेल टूथपिक्स पड़ी थी इसलिए मैंने वो यूज़ करी है। आप नॉर्मल टूथपिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। सभी मशरूम्स रेडी हो गए हैं, अब हम इनको बैटर में डिप करेंगे। ये देखिए जो फ्लावर का मैंने बैटर बनाया था उसमें अच्छे से मशरूम्स को डिप कर लिया है। अब इन्हें डंक करेंगे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम में डिप करने से एक तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं मशरूम्स और इसकी जो फिलिंग है वो और भी अच्छे से कंसील हो जाती है। सिमिलरली सभी मशरूम्स को पहले फ्लावर में डंक करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में और हम रेडी कर लेंगे। डबल डेकर मशरूम्स आर रेडी टू जंप इन टू हॉट ऑयल एंड गेट फ्राइड। मशरूम्स को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल ले लेंगे। ऑयल को हम हीट कर लेंगे। अब उसमें धीरे धीरे ड्रॉप इन करेंगे हमारे डबल डेकर मशरूम्स। ध्यान रखिएगा मशरूम्स को फ्राई करते समय ऑयल बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम हॉट होना चाहिए। मशरूम्स को स्लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जिससे कि अंदर तक की स्टफिंग अच्छे से फ्राई हो जाए। मशरूम्स एक साइड से बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, इसमें ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैंने मशरूम्स को फ्लिप कर दिया है। आप देख सकते हैं मशरूम्स दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। चीजी एंड स्पाइसी स्टफ्ड डबल डेकर मशरूम्स आर एब्सोल्युटली रेडी टू सर्व हॉट। चलिए मैं इसका क्रॉस सेक्शन भी कट करके दिखा देती हूँ। ये अंदर से भी एकदम परफेक्टली कुक हुआ है। आई एम श्योर आपने मशरूम की रेसिपीज तो बहुत ट्राई करी होंगी, बट दिस डेफिनेटली समथिंग यूनिक। Along with its unique, spicy and cheesy flavor, it has got a good crunch as well. Since we have made it dry, तो हम इसे as an appetizer use करेंगे, but if you want to use it in main course, तो हम इसे gravy में dip कर देंगे और इसे किसी भी bread के साथ easily savor कर सकते हैं। I hope आपको ये recipe पसंद आई होगी। Then please give it a thumbs up, share it with your family and friends as much as you can, and do subscribe to my channel Sassy Suhu. I'll see you in my next video with a brand new recipe. Till then, you take good care of yourself. Thank you.